मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एनडीए गठबंधन से अलग होने और महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में कहा कि एनडीए के साथ मिलकर चुनाव जीतकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और आज वे भाजपा का साथ छोड़कर जंगल राज की ओर चले गए हैं। जनता इनको माफ नहीं करेगी। आपके कदमों से कदमों मिला के चल रही थी तो ठीक है, अब सीधा ना कहिए। जो बिहार के साथ और बिहार के जनता के साथ जो छल करने का काम किया उसको लेके भारतीय जनता पार्टी आज प्रत्येक जिला मुख्यालय पर अपना धरना दे रही है। यह पूरा धरना जो है नीतीश कुमार को वोट नहीं मिला था, बल्कि यह नरेंद्र मोदी जब पूरे बिहार में घूम करके उन्होंने वादा किया कि एनडीए को जिताइए, हम उसके पीछे हैं, तब जनता ने एनडीए को वोट दिया था और जो धोखा देने का काम नीतीश कुमार ने किया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी अपने गृह जिला कटिहार में समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन में भाग लिया। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर उन्होंने कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। और उनकी जो महत्वाकांक्षा थी प्रधानमंत्री की बनने की, तो स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री की, तो वो तो अनकंफर्ट थे ही। गठबंधन के लोग बैठेंगे तो दो मिनट में नेता तय कर लेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। मैंने तो उन्हें चुनौती दी है, आप तो हम एक सप्ताह का समय देते हैं, एक महीने का समय देते हैं, वो दो मिनट में नेता तो तय करके दिखा दें। इधर समस्तीपुर में भी पुरानी बस स्टैंड परिसर में भाजपा द्वारा एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार चौधरी और भाजपा विधायक राजेश कुमार ने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है, उन्हें बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। पार्टी के कार्यकर्ता नीतीश जी के इस अवसरवादिता के कारण, विश्वासघात के कारण हम लोगों ने महाधरना का आयोजन किया। इनको इच्छा जो थी, इनका जो स्वभाव है, उस स्वभाव से सब लोग परिचित हैं। अब तेजस्वी जी को यंग उम्र है, उनका तो हम शुभकामना उनको देते हैं उनकी लंबी राजनीतिक भविष्य के लिए, लेकिन उनसे सावधान रहने की जरूरत है। नीतीश जी से कब किसको क्या धोखा देंगे, कहाँ पलटी मार जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है।